अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़वार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद पे, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। वीकली हॉरोस्कोप 1 to 7 सितंबर, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, ये एरीज वालों के लिए है। और इस वीडियो में एरीज टू कैंसर, चारों के चारों ज़ोडियक साइन की होती है। मैंने आपके लिए जो है मंथली हॉरोस्कोप का जो हमने सिलसिला लास्ट मंथ हमने जो स्टार्ट किया था, उसी हिसाब से आपके लिए मंथली वीडियोस भी जो है वो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने पूरे महीने का एक ओवरव्यू लेना है, कोई आगे प्लानिंग करनी है, कोई ट्रैवल की, कोई और शादी वगैरह, कोई और मामलात, तो फिर आप जो है उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आपके लिए ये हफ्ता जो है वो बहुत ही अहम होने वाला है, चूँकि मामलात जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होने वाले हैं। सबसे पहले जो तब्दीली आएगी वो 4 सितंबर को आएगी, जबकि मरीख जो है वो एरीज साइन का लॉर्ड होते हुए, यानी आपका अपना साइन लॉर्ड होते हुए जाइए के चौथे घर में चला जाएगा। और यहाँ पे इसको जो है वो हबूत है, हबूत लफ्ज़ जो है ये हब से है। मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में इस चीज़ को जो है वो पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, हबूत लफ्ज़ जो है वो हब से है। इसका मतलब है कि इसमें पावर्स अब नहीं होंगी, और अब ये पॉजिटिविटी की बजाय आपके लिए कुछ नेगेटिव वाइब्स जो है वो देगा। आज की वीडियो में मैं आपको इसके लिए कुछ थोड़ी सी रेमेडीज भी जो है वो बताऊँगा। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आप इसकी रेमेडीज़ के तौर पे जो है परवरदिगार के जो इस्मा है या मालिको या कुद्दूस, ये पढ़ना शुरू कीजिए। रोज़ाना 261 मरतबा पढ़िए, हर मंगल को यानी ट्यूसडे वाले दिन 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का जो है वो सदका देना अपना मामूल बनाइए। इसके अलावा आप अपने हाथ में एक मरजान पहने तो ये बहुत अच्छा होगा, चूँकि अब जब के मरीज जो है वो उसमें पावर्स नहीं होंगी, वो आपको जो है वो अपनी जो चीज़ें हैं वो डिलीवर नहीं कर पाएगा, और उसकी जो डिलीवर होगा वो नेगेटिव होगा। तो इससे बचने के लिए एक आउटसोर्स से हमने मार्स की जो जो पोटेंशियल है, जो उसकी पावर्स हैं, वो हमें जो है वो मरजान से मिल जाएंगी, यानी कॉरल से। तो अपने हाथ में अगर आप ये पहने तो आप इस मामले में बहुत अच्छा जो है महसूस कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आप कॉरल अफोर्ड नहीं करते तो आप इसके मुतबादल पे सुर्ख अकीक भी जो है वो पहन सकते हैं। बेहतरीन जेमस्टोन के लिए आप हमारी वेबसाइट jawajam.com विजिट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा हर मंगल को मैंने बताया कि 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका देना, अपना रूटीन बनाइए। फर्स्ट कैटेगरी पढ़ना है कलाम इलाही है, इस्मा उसना है, सेकेंड सदका है, थर्ड जेमस्टोन है। ये मैं हर जितने भी मेरे पास इंडिविजुअल आते हैं मैं उनको इसी तरह से जो है वो गाइड करने की कोशिश करता हूँ। अब ये अगर जा रहा है आपके जाइचे के चौथे पार्ट में तो अब होगा क्या, अब खानगी माहौल में जो है वो तब्दीलियाँ रुनमा होंगी, आपके मिजाज में एग्रेसिव होगा और खानगी माहौल इसकी वजह से जो है वो डिस्टर्ब होगा। स्पेशली अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। ये ऑलरेडी आपके जायचे के तीसरे घर में, यानी बहन भाइयों अजीज़ वकारब के घर में जो है ये मौजूद रहा, अब ये अगर नेगेटिव होकर चौथे घर में आ रहा है तो इट्स मीन के उधर से भी कुछ नेगेटिविटी इस साइड पे जो है वो डाइवर्ट होगी। पिछले मामला जो आपके कन्वर्सेशन के हवाले से जब चलते रहे, लेकिन अब मामला डिस्टर्ब है। और यहाँ पे मैं आपको स्ट्रांगली कहूँगा कि इस वक्त में अपने विरासती प्रॉपर्टी के मामला को छेड़ना, ये भी बहुत बड़ी गलती होगी। और दूसरी बड़ी गलती होगी खानगी मामला को पुटअप करना, अपनी राय को बाय फोर्स जो है वो अपने घर के ऊपर, अपनी वालदा के साथ या अपने छोटे बहन भाइयों के ऊपर जो है इसको इम्पोज करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा। घर सवारी, प्रॉपर्टी की तब्दीली और खरीद फरोख्त से आपको कतई तौर पर गुरेज करना चाहिए। ये तकरीबन 4 नवंबर तक जो है वो नेगेटिव रहेगा, सो आपको ये 2 महीने जो है वो इस मामले में एहतियात करनी है। ये वीकली हॉरोस्कोप है, मैं आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको जो है इसके बारे में गाइड कर दूँगा, बल्कि इससे ज़्यादा मैंने गाइड अपनी मंथली वीडियो में आपको लिए ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। इससे आगे चलें तो 7 सितंबर को एक अपोजिशन बन रही है वीनस की, जो कि आपके खाना माल का लॉर्ड है, ये नॉर्थ रूट के साथ बन रही है जो कि आपके फर्स्ट हाउस में मौजूद है। इसकी अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये नॉर्थ रूट के साथ जो है बना रहा है, मटेरियलिज्म का है और नॉर्थ रूट भी इन चीज़ों को जब करता है, तो ये आपके फाइनेंशियल मामलों पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ये डाल सकता है। और ये हो रहा है 5 सितंबर को, आपने 4, 5, 6, 7 ये कुछ दिन जो है इस मामले में अगर एहतियात करें तो बहुत अच्छा है। लेन देन के मामले में किसी भी बहस व तकरार से गुरेज करें, अपने शरीक हयात या शरीक कार के साथ भी इख्तलाफात से आपको जो गुरेज करना है। और मैं आपको बताऊँ कि लाजमी नहीं होता कि हर वक्त इंसान जो है वो
बिल्कुल ठीक सोच रहा हो। आपके फर्स्ट हाउस में अगर नॉर्थ रूट इस वक्त जो है वो पोजीशन बना रहा है, तो मार्स भी आपका डेबिलिटेड होने की तरफ जो है वो जा रहा है, और चार को ये डेबिलिटेड होगा और पांच को ये मुकाबला बन रहा है। इट्स मीन के आपसे गलत फैसले जो हैं वो हो सकते हैं अपने श्री के आज श्री के चार के साथ दोनों जगह पे, और फाइनेंस को लेके किसी भी मामले में आपने जो वो ग्रेज करना है, और जल्दबाजी में शादी या अकद जैसे मामलात से भी आपको जो है इन दिनों में कोई फैसला करने से कतई तौर पे जो है गुरेज करना चाहिए। 7 सितंबर को कमर दरकब है, मून जो कि आपके चौथे घर का भी लॉर्ड है, ना चाहते हुए भी कुछ इख्तलाफात आपके सामने आ सकते हैं। मैं वंस अगेन कहूँगा 7, 8, 9 घर सवारी प्रॉपर्टी की तब्दीली खरीद फरोख्त से आपको कतई तौर पर गुरेज करना है। 2 किलो चावल आटा या दूध का सदका दे के इसको जो है कवर कीजिए। ये एक बहुत ही नेगेटिव जो है वो टाइम होता है और इसके इम्पैक्ट बड़ी तेज़ी के साथ आते हैं। 2.25 दिन जो है वो मून आपके जायचे के 8वें घर में डेबिलिटी रहेगा। ये 3 दिन आपके शरीक हयात के साथ आपके जो फिजिकल अटैचमेंट है उसमें डिस्टर्बेंस है, वालदा की तरफ से किसी परेशानी का सामने आपके आ सकता है मामला, और अनएक्सपेक्टेड गेन और लॉसेस दोनों होते हैं चूँकि 8th हाउस मनसूब। और यहाँ पर अगर ये नेगेटिव टाइम है तो आप ये समझ लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड तौर पर कोई लॉस आपके सामने जो है वो आ सकता है। ये थी इसके जो बड़े इवेंट हैं इस हफ्ते के, वो मैंने आपके सामने रखे। अब जो हमने वो सिलसिला स्टार्ट किया था डेट बाय डेट का, तो फर्स्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, यकम तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है, आपकी सूझबूझ में इजाफा होगा, आप एक से ज़ायद कामों की तरफ जो है वो मुतवज्जो होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जो है वो डेवलप होंगी, बच्चों के साथ कोई जो है कम्युनिकेशन वो आपकी जो है बढ़ सकती है, और आप कुछ तशहीर के मामलात हैं, एडवर्टाइजमेंट के मामलात हैं, या आपके एजुकेशन से मुतल्लिका जो मामलात हैं, चाहे वो बेसिक एजुकेशन है चाहे स्केल 12 से 14 की, इसमें आपको बहुत अच्छा जो है सिलसिला मिलेगा। आपके विजडम जो है वो हाई होगा और बहन भाइयों के साथ कुछ मामला सेटल करने का जो है वो आपको मौका मिल सकेगा। फिर मार्स के साथ भी मून की एक नज़र बनेगी, तो आप अपनी वालदा के थ्रू जो है वो अपने बहन भाइयों को जो है वो बैलेंस करने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं, और ये एक अच्छा मौका होगा अगर आप इस वक्त में अपने मामलात को सेटल कर लें, क्योंकि ये यकम है अभी। नंबर एक। नंबर दो, विरासती मामलात में बेहतरी आएगी, मुश्तरका मफादात में कुछ जो है वो बेनिफिट मिल सकता है, और आप इस सिलसिले में कुछ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। इनिशिएटिव लेना किसी भी काम का ये दिन उसके लिए बहुत ही अच्छा है। 3 तारीख जो है यहाँ पे सन और मून की जो है वो कंजक्शन होगी, मून आ जाएगा जी साइन ऑफ वर्गो में, ये बहुत अच्छा है। लेकिन इस टाइम में भी इसको ना खाली का टाइम कहते हैं, ये वो टाइम होता है कि जब सन और मून की कंजक्शन होती है, और मून जो है ये एक समझ लेंगे रीफिलिंग होती है, जो फ्यूल है उसकी रीफिलिंग वाली बात है कि ये मून यहाँ से लेता है और फिर उसके बाद न्यू मून जो है वो आगे सिलसिला जो है ये चलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी पेरेंट्स के दोनों, चूँकि आपके जायचे का छठा घर है, तो पेरेंट्स की तरफ से आपको किसी मामले में रिस्ट्रिक्टेड मामलात जो है वो मिल सकते हैं, बहन भाइयों हमसाए और माशरती मामलात को लेके, और गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपका कोई मैटर है तो वहाँ से भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके सामने जो है वो आ सकती। लिटिगेशन के हवाले से ये टाइम या लिटिगेशन की इब्तदा करने के लिए ये टाइम किसी तौर भी जो है वो मुनासिब नहीं होगा। फिर मून का इसी दिन जो है 3 को ही मुकाबला है सैटर्न के साथ, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि कुछ मामलात में इबहाम जो आ सकता है और प्रैक्टिकल्स में जाने से आप जो है वो हिचकिचाहट का शिकार होंगे, स्पेशली अपने कारोबारी मामलात को लेके, अपनी मदर इन लॉ के साथ अपने रिलेशनशिप्स को लेके, अपनी होप्स को लेके, यहाँ पे थोड़ी सी ब्लॉकेज का सामना जो है वो आपको मिलेगा। अगले स्टेप में आपको जो है जुपिटर के साथ भी मून की तरबी बन रही है, 3 तारीख को ही बन रही है, सो 3 तारीख का दिन जो है ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। सुसाली दुकारब के साथ रिलेशनशिप के हवाले से, अपने बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप के हवाले से, और स्पिरिचुअलिटी के हवाले से, विजडम के हवाले से, वीज़ा वगैरह अप्लाई करने के हवाले से इस दिन जो है वो आपको ग्रेज करना, ये ट्यूज़डे का दिन है। 4 तारीख को भी कुछ मामला जो हैं वो थोड़े से जैसे हम कहते हैं कि जी इबहाम की शक्ल में जो है वो जाते हुए नज़र आते हैं, आपने यहाँ पे भी कुछ एहतियात से जो है वो काम लेने की आपको ज़रूरत होगी। 5 तारीख का जो दिन है ये आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो साबित हो सकता है,
मून के हवाले से। अब आप फैमिली जो है, अब पहले उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस आपके साथ लगाई, अब आपके साथ जाइए कंफर्ट जोन में जो है वो जा रहे हैं, और आपकी वीनस और मून का जो कंजक्शन है, आपका लाइफ पार्टनर और आपकी वालदा, आपकी फैमिली मिलके टुगेदर जो है वो कुछ मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल हवाले से भी ये मामला बहुत अच्छा है, श्री के याद के साथ, श्री के कार के साथ, रिलेशनशिप के मामलात में यहाँ पे बहुत अच्छा जो है वो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। घर की तब्दीली या इस हवाले से जो है मैं आपको चार को कह चुका हूँ कि अब आपने यहाँ से गुरेज करना है। हालांकि यहाँ पे आपको एक हल्का सा पुशअप मिल सकता है घर या सवारी की तब्दीली का, बट ना करना ही जो है वो आपके लिए बेहतर होगा। जुपिटर के हवाले से नज़र बनेगी तो मैं कहूँगा एक्सपेंड होंगे आपके तल्लुकात, आपके शरीक हयात और आपकी वालदा जो है वो मिल के तो कोशिश करेंगे कि आपकी बहन भाइयों के माबेन और आपके माबेन मामला को जो है वो सेटल डाउन किया जाए। फाइनेंशियल मामलात में एक बार फिर आपको आसानी मिलेगी, फैमिली सपोर्ट मिल सकेगी और आप बहुत ही कंफर्ट जो है वो फील करेंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत ही जो है वो अच्छा रहेगा। उसके बाद अगले टाइम में बच्चों के साथ मामलात, आपके लव लाइफ से मुतल्लिका मामलात जो है बेहतर होंगे, और ये तकरीबन 6 तारीख है जबकि आपकी मंगनी के हवाले से कुछ मामलात जो है उसमें पेशरफ्त होगी। एजुकेशन सेक्टर में जो है यहाँ पर भी आपको जो है वो बेहतरी मिलेगी। 7 को कमर दरकब है, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैं आपको गाइड करना चाहूँगा। 7 को कमर दरकब है, मून चला जाएगा मरीख के घर में, जायचे का 8वां घर है और मरीख होगा आपके जायचे के 4थे घर में। ये यानी समझ लीजिए कि मून जो है वो मरीख के घर में होगा और मरीख जो है वो मून के घर में होगा। अब ये दोनों, और यहाँ पर एक पॉजिटिव जो है वो नज़र बन रही है, ये आपको विल देगी। हालांकि मरीख जो है वो WTW स्टार्ट हुई होगी इसलिए अभी उसकी नेगेटिविटी इतनी नहीं है, लेकिन ये जो एक क्रॉस हो रहा है, ये जो एक कम्बिनेशन बन रहा है दोनों एक दूसरे के घर में और एक नज़र अच्छी, ये आपको कुछ अच्छा इनिशिएटिव लेने की तरफ जो है वो लेके जा सकती है, जो कि विरासती मामला, मुश्तरका मफादात के मामला, फैमिली से रिलेटेड मामला, आप अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकेंगे। डीप थाट्स होंगी, अच्छी थाट्स होंगी, और यहाँ पे जो आपकी जो मैं कहूँगा कि जो डीप थॉट्स में से निकल के चीज़ आएगी वो एक अच्छी चीज़ जो है वो आएगी, और आपको एक बार फिर मामलात को संभालने, बेहतर करने का जो है वो मौका आपको मिल सकेगा। सो मजमूई तौर पे एक अच्छा टाइम है। सोशलिटी करब के साथ रिलेशनशिप भी आपके बेहतर रहेंगे, बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप आपके कुछ मिले जुले जहाँ पर प्रॉब्लम है वो भी मैंने आपके सामने जो है वो रखी है, और मैंने बहुत डिटेल में इसको जो है वो अपने मंथली होरोस्कोप में भी बताया है। इस वीडियो के एंड पे आपको आपका मंथली होरोस्कोप का भी जो है लिंक भी मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में चले जाएं वहाँ भी आपके लिए लिंक जो है मौजूद है। ये सब जनरल है, इंडिविजुअल अगर अपने बारे में जानना चाहें, अपने मैटर्स को डिस्कस करना चाहें तो व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके आप अपना हॉरोस्कोप जो है वो भी बनवा भी सकते हैं, कोई मशावरत हो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो से मुस्तफ़ीद होंगे, तो अपनी दुआ में याद रखिए कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। टॉरस हमारा अगला जोडिक साइन और ये आपका वीकली होरोस्कोप है। 1-7 सितंबर आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? ये वीकली बताने से पहले बताता चलूं कि आपके लिए पूरे मंथ का जो है वो एक एनालिसिस जो है वो भी अपलोड हो चुके हुए हैं, और इस बार पिछली बार से भी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है। मंथली होरोस्कोप जरूर देख लीजिएगा, इस वीडियो के एंड पे आपको थंबनेल भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में जाके आप चाहें तो आपको लिंक भी मिल सकता है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो वीडियो सेक्शन में चले जाएं, वहाँ पे तमाम वीडियोज़ जो हैं वो लिस्टेड आपके लिए मौजूद हैं। ये हफ्ता आपके लिए बहुत से हवालों से बहुत ही जो है वो अहम होने वाला है। सबसे पहली बात जो है वो शाक्ति और सामाजिक ताल्लुकात हैं, आपका रिलेशनशिप है, आपके दूसरों के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं, आपकी स्पीच, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके ऊपर सारे इंसान ने चलना है, आपकी एफर्ट्स अब वो किस तरह की होंगी और आगे क्या होता जो है वो नज़र आता है, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले कुछ बड़े इवेंट्स पर बात कर लें, उसके बाद जैसा कि हमारी रूटीन है डे बाई डे को जो है हम देखते चल जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले दो चीज़ें जो हैं बड़े इवेंट से भी पहले मैं बात करता चलूँ। सन आपके जायचे के 5वें घर में मौजूद है, ये आपके विजडम को डेवलप करने में आपको बहुत बड़ी जो है वो मदद दे सकता है, और चूंकि 4थे का लॉर्ड होते हुए 5वें घर में है तो अक्सर जो है वो टोरियन अभी भी स्टिल अपने घर सवारी प्रॉपर्टी की तब्दीली या खरीद फरोख्त के बारे में बहुत कॉन्शियस होंगे, और आप पूरा जो है वो जोर लगा रहे होंगे कि यहाँ से आपका कुछ जो है अर्न हो जाए या कुछ आप अच्छा स्टेप जो है वो ले जाए, उसमें कामयाबी मिलेगी, गवर्नमेंट सेक्टर से आपको बड़े फायदे मिल सकते हैं, और अगर आप किसी भी तरीके से
गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉय हैं तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन की या प्लानिंग का शोभा जो है वो आपके जिम्मे हो सकता है। और वो किस स्किल का है गॉड नोज बेटर कि ये जो नज़र आ रहा होता है जो एक अंदाजे हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा होता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अंदाजे भी बहुत अच्छे इसलिए होते हैं, पिछले कई सालों से मैं जो इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो अब बहुत सारी चीज़ें पता चलना इंसान को जो है वो शुरू हो जाती है। अच्छा जी, उसके अलावा आपका पूरा फोकस अपनी डेली रूटीन पर है, आपका पूरा फोकस अपनी जॉब के एरिया पे है, आप बहुत ही ड्यूटीफुल हो रहे होंगे और बेहतरीन परफॉर्मेंस से आप अपना नेम फेम को जो है बरकरार रख सकते हैं। मैंने वैसे भी ये कहा हुआ है जब का सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है कि आपको अपने सीनियर को जो है वो खुश रखने के लिए कुछ थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। तो इस हफ्ते में जो सबसे पहला बड़ा इवेंट है वो है कि मार्स जो कि आपके जायचे के दूसरे पार्ट में मौजूद था, ये जायचे के तीसरी पार्ट पर जो है वो चला जाएगा। इसके यहाँ जाने से दो बहुत बड़ी तब्दीलियां जो है वो रुनमाऊंगी। सबसे पहली बड़ी तब्दीली जो अखराजात में बहुत ज़्यादा तेज़ी थी उसका खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह। अगले दिनों में आप इतदाल की तरफ जो है इंशाल्लाह जाएंगे। कुछ लोगों को अभी भी अखराजात का सामना होगा लेकिन ये बहुत ही माइनर सी तादाद जो है वो होगी। पहले जितने खर्चे आपने पिछले 1.5 से 2 महीने में किए अब उससे कहीं कम जो है वो इंशाल्लाह आपके होंगे। अच्छा, दूसरी बड़ी तब्दीली होगी कि आपके और शरीक हयात के मबैन अगर कोई इख्तलाफ चल रहा था, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी या आपका स्पाउस किसी फिजिकल प्रॉब्लम में था तो ये प्रॉब्लम भी जो है वो ख़त्म होने वाली है। ये मामला आपके बड़ी बेहतर साइड पे जो है वो चले जाएंगे। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि आपके जायचे के तीसरे घर में मरीख का हबूत होने लगा है तो अब आपको जो है वो प्रॉब्लम आएगी अपने छोटे बहन भाइयों से, अपनी बहन भाई दोनों जो हैं उनसे आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी और आपको प्रॉब्लम आएगी स्पीच के हवाले से, आपको प्रॉब्लम आएगी। आप एफर्ट्स जो करना चाह रहे होते हैं जिसमें कि आपको कामयाबी चाह रही होती है उसमें अब आप मेंटली डिप्रेस्ड होंगे बट वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पाएगा जो कि आप लेना चाह रहे हैं। और अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी आपके सामने आएंगी, गो कि एक जो बड़ी तलवार थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी लेकिन फिर भी आपको गुफ्तगू में अपने स्पाउस के साथ जो है वो बहुत ही एतदाल के साथ जो है वो चलने की ज़रूरत है। दूसरी बात, चूंकि ये 12वें घर का भी लॉर्ड है तो मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप कोई हॉस्पिटलाइज थे तो अब मामला वर्स होने लगे, आपके कुछ हिडन एनिमीज खुल के आपके सामने आ जाएंगी और अगर आपने कोई इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई किया हुआ है तो उसका रिजल्ट जो है वो कुछ नेगेटिव आपको इम्पैक्ट जो है उसके मिल सकते हैं। 5 सितंबर को वीनस की अपोजिशन है जो कि आपका अपना साइन लॉर्ड है, ये राहु जिसको कहते हैं हम नॉर्थ रूट इसके साथ है तो ये आपके मादी मफादात पर्सनालिटी ट्रेड्स में कुछ थोड़ा सा कमी का बायस होगा। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट जो है वो होंगे लेकिन आपकी जो हिडन एनिमीज़ हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल जो है वो यहाँ पे प्ले कर सकती हैं। 5 सितंबर को है सो अपना ख्याल कीजिएगा, अपने हिडन ओपन दोनों तरह की एनिमीज़ पे आपको जो है वो फोकस करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद 7 सितंबर को कमर दरकब है, ये भी आप गौर करेंगे तो यहाँ पे भी वही दोनों पोर्शन, एक आपका रिलेशनशिप का शाकतदारी का हो या आपके स्पाउस के साथ हो और आपके अपने बहन भाइयों के साथ, ये मामला थोड़े से मुझे डिस्टर्ब नज़र आते हैं। और अज़दवाजी ज़िंदगी में भी कुछ फ्लक्चुएशन आपके सामने आएंगी। मून जो है ये चूँकि वालदा को भी रिप्रेजेंट करता है, छोटी बहनों को भी रिप्रेजेंट करता है तो आपने एहतियात करनी है, 2 किलो चावल आटा या दूध का सदका देके इस मामले को कवर करने की आपने कोशिश करनी है। अच्छा जी, आपके लिए बेहतरीन जो स्टोन है वो वाइट टोपाज है, इसके अलावा आप ब्लू टोपाज पहन सकते हैं। आप अगर अपनी हेल्थ या जॉब के हवाले से वरीड हैं और इसको बेहतर करना चाहें तो वाइट ओपल पहन सकते हैं। अगर आप अपने कैरियर रोजगार के हवाले से हैं परेशान हैं तो फिर ब्लू सफ़ायर जो है या लेपिस पहनना आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो साबित हो सकता है। तो ये आपके लिए जेमस्टोन के लिए, और बेहतरीन जेमस्टोन के लिए आप हमारी वेबसाइट jawagem.com विज़िट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे भी रابطہ करके आप स्टोन्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। अगली तरफ चलें तो डेली रूटीन में यकम तारीख आपके लिए जो है वो बहुत ज़बरदस्त रहती मुझे नज़र आती है। जो आपकी गुफ्तगू है, जो आपकी कोशिशें हैं वो कामयाबी से हमकनार होंगी। फाइनेंशियल मामलात में आपके जो स्टेप्स हैं, जो एफर्ट्स हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी। आप घर में कुछ तजावीज़ ज़ेर गौर आ सकती हैं जिसमें कि आपके बच्चों से मुतल्लिका मामलात हैं, जिससे कि आपके खानगी मामलात हैं उसमें कुछ तब्दीलियाँ हैं। आप अपनी बेहतरीन पॉलिसी से
جو ہے وہ اپنے خاندان میں، اپنے نیئر اباؤٹ، جہاں بھی آپ کی رہائش ہے، معاشرے میں بھی ایک اچھا جو ہے وہ مقام آپ حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی ایفرٹس کو جو ہے لاشعوری طور پہ اس کو بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں اسٹرانگلی کہوں گا کہ اعتدال کے ساتھ چلنا جو ہے وہ بہتر ہے، جذباتیت میں کوئی بڑے فیصلوں سے آپ کو گریز کرنا۔ 3 تاریخ کا جو دن ہے یہ بہت اچھا نہیں ہے، اس دن آپ کو خاص طور پہ فیملی میٹرز کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ کچھ معاملات میں جو ہے وہ آپ کو اپوزیشن جو ہے وہ فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے کیریئر کے، روزگار کے معاملات، یا آپ کے جو سسرالی سبلنگز ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین بھی آئے گا، اور آپ کے جو ٹارگیٹس ہیں، جو گولز ہیں، اس کے شاید اگینسٹ یہ جو ہے معاملہ آپ کا جو ہے وہ اگلی طرف جو ہے وہ چلے گا۔ اس کے علاوہ میں اسٹرانگلی کہوں گا وراثتی معاملات ہوں یا آپ کے مشترکہ مفادات کے معاملات ہوں، ان ایکسپیکٹڈ گینز یا لاس کے جو میٹرز ہیں یہ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، اور جو پہلے میں نے وراثتی اور باقی معاملات کے اس میں آپ کو تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے دوستوں کو اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے گفتگو میں انوالو مت کریں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گا کہ انسان کی ہر خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت ہی کم لوگ ہیں جن کی کہ ہر خواہش جو ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ آپ ہمارے ملکی حالات کو دیکھ لیں، جو ایگزیکٹو پوسٹ پہ بیٹھے ہیں بظاہر وہ بڑے لکی لوگ ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بھی کیا چاہ رہے ہیں، کس طریقے سے چاہ رہے ہیں، جیسے بھی کچھ چاہ رہے ہیں 100% رستہ نہیں، بلکہ وہ لوگ زیادہ امتحان سے جو ہے وہ گزرتے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے، جتنی پاور ہے، جتنی اتھارٹی ہے، اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے معاملات بھی جو ہے اگلی طرف چلیں گے۔ جی اچھا جی، اس کے بعد 4 تاریخ جو ہے یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، آپ کو بڑی ہی احتیاط کے ساتھ جو ہے معاملات کو لے کے چلنا ہے، لین دین کے معاملات کو جو ہے وہ محتاط روی سے چلائیے گا، کچھ اخراجات بچوں کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاشعوری طور پہ آپ جو ہے تھوڑے سے ٹائڈ نظر آ رہے ہیں اپنے اخراجات کو لے کے، یقیناً یہ معاملات جو ہیں وہ پرابلمیٹک ہوتے ہیں، لیکن قدرت کا کچھ نظام ایسا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے، اس میں سے آپ کو فروٹ ملتا ہے، آپ اسی فروٹ کو جو ہے وہ اگلی سائڈ پہ یوٹیلائز کر لیتے ہیں۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ ایک آپ نے کھانا بنایا، اس میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کس نے کھانا ہے، آپ نے اپنے گھر کے 3-4 افراد کے لیے بنایا اور ان ایکسپیکٹڈ طور پہ 1-2 مہمان اور بھی آ جاتے ہیں، اور لیکن وہ اسی میں سے جو ہے وہ پورا ہوتے ہیں۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بہترین ڈش بنائی، اسپیشلی خواتین میری اس بات کو سیکنڈ کریں، ایک بہترین ڈش بنائی اور ان ایکسپیکٹڈ کوئی مہمان بھی آ گیا، تو آپ نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اتفاق سے بہت اچھی ہم نے ڈشز بنائی تھی جبکہ مہمان بھی آ گئے۔ تو یہ بالکل اسی ٹائپ کا آپ کا جو ہے وہ دن مجھے لگ رہا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو احتیاط کرنی ہے، آپ کے اسپاؤس یا آپ کے ورکنگ پارٹنر کے ساتھ، آپ کے اپنے قریبی وغیرہ کے ساتھ کوئی بحث، تکرار یا کوئی ناراضگی والا معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ اچھا جی، جو 5 تاریخ ہے یہ آپ کے لیے بہت اچھی انشاءاللہ جو ہے وہ ثابت ہوگی، معاملات اگلی طرف بڑھیں گے، آپ جو ہے وہ کافی اچھا فیل کریں گے، لیکن کچھ بہن بھائیوں، کچھ عزیزوں کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف رائے بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ ورک پلیس پہ آپ بہت اچھے ہوں گے، کچھ ٹریول کر کے آپ اپنے ورک پلیس پہ جو واپس بھی جا سکتے ہیں، یا کوئی آپ جو ہے اپنی جاب کے اصول کے لیے کچھ ٹریول بھی کرتے مجھے نظر آتے ہیں اس دن۔ اچھا، اس کے بعد 6 تاریخ یہ بھی بہت اچھا ٹائم ہوگا آپ کے لیے، جوپیٹر کے ساتھ قمر کی نظر یہ آپ کو ایکسپینشن دے گی، کل بھی سکون جو ہے وہ آپ کو مل سکے، آپ کی اسی دیرینہ خواہش کی جو ہے وہ تکمیل ہو سکتی ہے، آپ اپنی کوششوں میں جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، فائنینشیل معاملات جو ہے وہ بہتر ہوں گے، آپ کی جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس میں بھی آپ کو جو ہے انشاءاللہ بیٹرمنٹ ملے گی۔ 6 تاریخ کی جو ہے یہاں پہ آپ کو بچوں کے حوالے سے گڈ نیوز جو ہے وہ مل سکتی ہے، اس کے علاوہ آپ کی فیملی، گھر، اس سے متعلقہ معاملات، آپ کا وزڈم اور خانگی ماحول میں ایک مثبت تبدیلی یہاں پہ پھر آپ کا جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں استقبال کرے گی، یہ بڑا اچھا ہوگا ٹائم آپ کے لیے۔ کمر درد رکب ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے 7 تاریخ کو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا، تو اب آپ کو تھوڑا سا جو ہے خیال کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہونی ہے، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جو شریک یاد یا شریک کار کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو ڈسٹرب کر سکتا ہوتا ہے آپ کے لیے، اسپیشل ٹورین کے لیے، اور یہ تاریخ جو ہے وہ 7, 8, 9, 3 دن آپ کو اپنا بہت زیادہ جو ہے وہ خیال کرنا ہے۔
इसके अलावा मैं आपसे ये जरूर कहूँगा, सदका प्रॉपर दीजिएगा, 2 किलो चावल आटा या दूध का सदका दीजिएगा ताकि इस नेगेटिव वक्त से बच सकें। अपनी स्पीच को जो है वो आपने इतदाल में रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम गुस्से की हालत में या लाशोर में छुपी चीज़ों का जब वो इजहार कर बैठते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि भाई हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। नज़दीकी ट्रेवल्स में आपको बेहद एहतियात करनी है, अगर मुमकिन हो तो 7, 8, 9, 3 दिन आपने ट्रैवल जो है वो कम से कम करना है, ये आपके लिए बेहद जो है वो ज़रूरी होगा। इस उम्मीद के साथ जाना चाहूँगा कि यकीनन आपके लिए आज की वीडियो भी जो है वो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। दोबारा हमारे चैनल पे आना चाहें, सब्सक्राइब करके बेल बटन पुश कीजिएगा और हमेशा की तरह अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जेमिनी, जेमिनी वीकली हॉरोस्कोप 1 to 7 सितंबर, आपका ये हफ्ता कैसे गुजरा? जेमिनी, ये हफ्ता आपके बहुत सारे मामलात के लिए बहुत ही अहम है, स्पेशली आपकी हेल्थ के हवाले से, आपकी जॉब के हवाले से, आपकी गुड लक के हवाले से, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगले बहुत सारे टाइम के हवाले से ये हफ्ता बहुत अहम होगा। यहाँ पे कुछ ऐसी मूव्स बन रही हैं जो कि आपको किसी तौर भी जो है वो नज़रअंदाज नहीं करनी। मैं सबसे पहले तो इस हफ्ते में होने वाले बड़े इवेंट्स के बारे में बता दूंगा, उसके बाद जो डे बाई डे का हमने सिलसिला स्टार्ट किया हुआ उसके ऊपर मैं आ जाऊंगा। तो सबसे पहला जो इवेंट आ रहा है वो 4 सितंबर को आ रहा है, जबकि मरीख जो कि आपके जायचे के 11वें गुड लक का भी है, आपकी फाइनेंसिस से भी इसका किसी ना किसी तौर तल्लुक है, चूँकि जो आपके कैरियर रोजगार से निकलने वाला रिजल्ट है उसको 11वां घर ही जो है वो डील करता है। इसके अलावा डेफिनेटली आपकी जॉब है तो ही आपके पास फाइनेंसिस जो है वो मौजूद है, और हेल्थ है तो आप जॉब भी जो है वो कर सकते हैं। इस सारी चीज़ें जो है वो इंटरलिंक है। 4 सितंबर को मरीज जो है वो आपके फर्स्ट हाउस से निकल के तो आपके खाना माल में जो है ये आ जाएगा। जब तक ये आपके फर्स्ट हाउस में था इसने आपको बोल्ड भी किया, ब्रेव भी किया, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा अग्रेशन का भी मैटर जो है वो आपके सामने रहा। आपकी जो ओपन एनिमीज हैं उन्होंने आपको थोड़ा सा दबाने की जो है वो कोशिश की, लेकिन अब मामला जो है वो चेंज हो जाएगा। अब ये जो आपकी ओपन एनिमीज थी ये दबती हुई मुझे नज़र आती हैं, क्योंकि छठे घर का हाकिम जो है वो हबूत में चला जाएगा। इसके अलावा आपको खराजात में तेज़ी रहेगी। अगला कई महीने की बात है, ये कम से कम 4 नवंबर तक है, तो आपको चाहिए कि इसके बारे में जो है वो प्लान कर लीजिए। मैंने इसकी बहुत सारी डिटेल जो है वो अपने मंथली हॉरोस्कोप में भी जो बताई है, जो मैंने अभी चंद दिन पहले जो है वो चैनल पे अपलोड किया है, उसमें इसके बारे में बहुत सारी डिटेल भी बताई है, और मैंने कुछ खास रेमेडीज़ भी वहाँ पे बताई हैं, जरूर देख लीजिएगा आप अपने लिए। दूसरा, आपको अपनी ख्वाहिशात की तकमील को थोड़ा सा जो है वो इस पर कम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत होगी। अगर कोई मामला पूरा नहीं हो रहा तो उस पर थोड़ा सा आपको एहतियात करनी है, और आपकी कुछ ओपन एनिमीज़, आपके जो दोस्त अहबाब हैं उनको भी आपसे थोड़ा सा बजन करने की कोशिश कर सकते हैं। सो मोहतात रहिएगा, जॉब छोड़ने की गलती नहीं करनी, अगर आपने जॉब छोड़ी तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। दूसरा, आर्थिक असले से, तेज़ धार आलात से, और जो बर्निंग जो मामलात हैं उससे जो है वो आपको बचने की ज़रूरत है। अपनी डेली रूटीन पर, अपनी हेल्थ पर आपको स्पेशली जो है फोकस करना है जी। अच्छा जी, मैंने बताया कि मैंने सदका और सारी चीज़ें उसमें जो है ना मैंने वीडियो में बता दी है। उसके बाद 7 सितंबर को कमरदा रकब है, ये भी आपके खाना माल का हाकिम है, छोटे घर में जाके जो है वो डेबिलेटेड हो जाएगा, तो आपने एहतियात करनी है लेन देन के मामले में। बड़े लेन देन के मामला अगर आपने इस दिन प्लान ना करें तो आप बेहतर होगा, और अगर आपको खुद जो है वो कोई पेमेंट वगैरह करनी पड़ती तो भी कुछ 2-3 दिन जो है वो मार्जिन ले लीजिए या पहले कर लीजिए, जैसे भी आपका है। अब यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि लेन देन के मामला कुछ वजह तनाज़ा भी बन सकते हैं, आपको मोहतात रहना है, और अपने एम्प्लॉयज़ को लोन वगैरह देने से अब आपने जो है वो गुरेज करना है, ये वरना आपके जो पैसे हैं अब जो आप देंगे वो वापस मिलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और जैसे कि मैंने ये भी कहा कि आपने ख्याल करना है ये 3 दिन आपने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे इख्तलाफात भी जो है वो नहीं करने, आपको कुछ अखराजात अपने हेल्थ सेक्टर पे ज़रूर जो है वो करने पड़ सकते हैं। 2 किलो चावल आटा या दूध का सदका देके इस मामले से जो है वो कवर करने की कोशिश कीजिएगा। ये नेगेटिव टाइम होता है, अकवाल मासूमीन की रोशनी में हमने ये देखा कि इस दिन किसी भी काम की इब्तदा करना भी बेहतर नहीं है। तो ठीक, अगर आपकी कोई जॉब स्विच करने का कोई चल रहा था, अव्वल तो मैंने रोका हुआ था, फिर भी कुछ लोग मजबूरी में कर रहे थे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 7, 8, 9 आपने इन 3 दिन में ज्वाइनिंग जो है वो नहीं देनी, पहले दे लीजिए, इसके बाद ले लीजिए, तो इंशाल्लाह आपके लिए जो है बेहतर रहेगा जी। अच्छा, ये 3 दिन जो है
लोन वगैरह लेने से भी आपने गुरेज करना है। आपके लिए बेहतरीन जो स्टोन है ये एमरल्ड होता है। एमरल्ड ना पहन सकें तो पेरीडॉट पहन सकते हैं, उसके मुतबादल पे आप ग्रीन अगेट पहन सकते हैं, आप संग यशव पहन सकते हैं। ये तमाम स्टोन्स आपकी ज़रूरियात को पूरा करने में आपकी हेल्प करते हैं। अल्टरनेटिव है सब, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मैंने जो है वो अल्टरनेटिव आपको जो है बताएं। बेहतरीन जेम्सों के लिए आप हमारी वेबसाइट javagem.com विजिट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप अपने लिए स्टोन जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब मैं तो वो डेली जो हमारे मामला चल रहे हैं उसके ऊपर, तो जो 13 यकम जो है सितंबर की, ये कोशिशों में इजाफे का दिन है, एक्सपेंशन का दिन है। आप नए आइडियाज़ के तहत अपने फाइनेंशियल को जो है मामला को जो है वो बेहतर बनाने में जो कामयाब हो सकते हैं। अगर आप कोई इब्तदा करना चाह रहे हैं और अपने आइडियाज़ पे जो है वो काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एक बेहतरीन दिन है जिसको आप आगे लेकर चल सकते हैं। फिर मून की जो है वो कंजक्शन है मरकरी के साथ, जो कि आपका अपना साइन लॉर्ड है, तो आपको बेहतरीन आइडियाज़ भी मिलेंगे। आप अपनी कोशिशों को तशहीर पे जो है वो कर सकते हैं, राइटिंग के मामला आपके बेहतर हो सकते हैं। कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए बेहतरीन डेट है। आप इसके लिए जो है मेंटली अगर प्रिपेयर हों तो किसी काम की इब्तदा के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। फिर यही दिन जो है वो आपकी एफर्ट्स में जो है वो तेज़ी भी लेके आएगा, आपको कामयाबी से जो है मिलेगा। आप विलिंग होंगे, आप में स्ट्रेंथ होगी, पावर होगी, और आप अपने कामों को बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो मुकम्मल जो है कर पाएंगे। अच्छा, ये 3 तारीख जो है ये इसका आगाज़ तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आगाज़ में आप देखेंगे कुछ अखराजात आपकी फैमिली पे जरूर हो रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि फैमिली से आपको सपोर्ट मिल सकेगी, उनके साथ गिफ्ट शनीद का भी मौका मिलेगा, पेरेंट्स से आपको भरपूर हेल्प मिल सकेगी, आप अपने माशरती मामलात को बेहतर कर सकेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड आपका जो है वो भी बेहतर होता मुझे नज़र आता है। जबकि 3 का दिन जो मिड है वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। आपके कैरियर, आपके रोज़गार में कुछ मामला जो है वो प्रॉब्लमेटिक होंगे, और कुछ लेन देन के मामला आपकी परेशानी का बायस जो है वो बन सकते हैं। आगे मैं एक कदम और आगे चलूं तो ये दिन जो है वो बैरून मुल्क सफ़र के लिए, वीज़ा के लिए, डॉक्यूमेंटेशन करने के हवाले से या कोई पेमेंट वगैरह करने के हवाले से जो है ये भी अच्छा जो है वो नहीं होगा। जल्दबाजी से आपने कतई गुरेज करना है। ख़वातीन जो हमारी बहनें बेटियाँ हैं, आपको कहूँगा कि इस दिन आपने लेन देन आपने ससुराल फैमिली के साथ नहीं करना, ससुराल सिबलिंग्स के साथ, चाहे वो आपकी फीमेल सिबलिंग्स हो, मेल हो, और दूसरा आपने बहसो तकरार से भी जो है वो गुरेज आपने करना है जी। अच्छा जी, 4 तारीख जो है ये बहुत अच्छा टाइम नहीं होगा, आपने एहतियात करनी है, अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा सा आपको जो है वो रोकना होगा। आपके मामलात आपकी फैमिली के साथ कुछ गड़बड़ हो सकते हैं, कुछ ऐसे मामलात आपके सामने आ सकते हैं जो ना चाहते हुए भी आपको यहाँ पे हार्ड जो है वो स्पीच देनी पड़ेगी। कुछ अखराजात अनएक्सपेक्टेड तौर पे जो है वो हो सकते हैं, और ये चीज़ आपकी परेशानी का जो है बायस भी बन सकती है। दूसरा, यही दिन जो है वो आपके शिकायत के साथ, आपकी मदर इन लॉ के साथ कुछ इख्तलाफात यहाँ पे आ सकते हैं, आपके सामने जो है वो आ सकते हैं। इनके साथ इख्तलाफात से भी आपको जो है गुरेज करना है, चूँकि ये तो टाइम बड़ी तेज़ी के साथ गुजर जाता है, लेकिन वक्त हमेशा अपनी एक छाप जो है वो ज़रूर छोड़ जाता है, वो एक अपना फिंगरप्रिंट छोड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने गुस्से में कही हुई बात होती है और दूसरा बंदा 2 महीने बाद 4 महीने बाद हमारे मुँह पर कहता है जी आपने मुझे कहा था, हालांकि वो उन कंडीशंस को, उन चीज़ों को बिल्कुल भूल जाता है कि जिन कंडीशंस में आपने उससे कहा। लेकिन वो याद क्या रखता है, वो याद रखता है कि आपने बस ये कहा, किन हालात में कहा, क्यों कहा, ये अलग हो जाती है जी बात। सो 4 तारीख आपने बड़ी ही एहतियात के साथ जो है वो गुजारनी है। 5 तारीख का दिन आपके लिए बहुत हवाले से अच्छा होगा, आपके लव लाइफ में बेटरमेंट आएगी, बच्चों के साथ आपके मामले बेहतर होंगे। एजुकेशन सेक्टर स्केल 12 से 14 का जो अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको बेहतरी मिलेगी। नाम इसकी में पार्टिसिपेशन होगा, आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, आप अपनी कुछ तफरी का प्लान बन सकता है आपके बच्चों के साथ, कोई खाना खाना, कुछ होटलिंग करना, या कुछ कंफर्ट जोन में जाना, किसी लग्जरी चीज़ों को जो है वो इंजॉय करना, ये इस दिन जो है वो मुझे नज़र आता है। इसके अलावा आप अपने फाइनेंशियल मामलात के हवाले से अपना विजडम यूज़ करेंगे, एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे। आपके जहन में मुकम्मल तौर पर ये इस बात होगी कि आप अपने मामलात को, अपनी फाइनेंसिस को बेहतर कैसे जो है वो बना सकते हैं। ये सितंबर का महीना इसी तरह का है, अब आपको एहसास होनी शुरू हो चुकी हुई है। जेमिनिस, आपकी जो सिक्स सेंस है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, तो आपको अलार्म तो होना स्टार्ट हो गया कभी फाइनेंशियल मामलात किस तरफ जा रहे हैं, तो अब आप एक से ज़ायद कामों की तरफ जाए तवज्जो देंगे, आप उन कामों की तरफ तवज्जो देंगे
जहाँ पे किसी न किसी तरह आपकी जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो आपको मिलती रहे, कि एक साइड से दूसरी साइड किसी भी साइड से जो है वो आप इसको लेंगे। और यहाँ पे आपको स्पीच के मौके मिलेंगे, बेहतरीन कारकर्दगी, आप सेल्स डिपार्टमेंट में अगर हैं तो आप बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकेंगे। अगर आपको फीमेल हैं, बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप, बच्चों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। और आपकी मंगनी के हवाले से कोई गुफ्त और शनीद का जो है वो आगाज़ हो सकता है। ये बहुत ही करीब तरीन जो है वो एनालिसिस मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। वंस अगेन कहूँगा 7 तारीख को कमर दरकब है, सदका ज़रूर दीजिएगा। और इन दिनों में जल्दबाजी से, रैपिडली स्पीच से, फौरी तौर पर रिएक्ट करने से या गुस्से से जो है वो आपको कतई तौर पे गुरेज करना है। इस उम्मीद करना चाहूँगा कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। दोबारा चैनल पे आना चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा। कैंसर हमारा चौथा जोडिक साइन। कैंसर, ये आपकी वीकली हॉरोस्कोप है 1 to 7 September। आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका पूरा सितंबर कैसा गुजरेगा, तो उसके लिए वीडियो इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी। मंथली हॉरोस्कोप का सिलसिला हमने पिछले महीने स्टार्ट किया था, जो कि इस बार हमने उसको थोड़ा मज़ीद बेहतर करके आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। आपकी वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोड हो चुकी हुई है। इस हफ्ते में आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर इस हवाले से कहूँगा। मरीख आ रहा है आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में, जो कि आपके 10th कैरियर रोज़गार से मुतल्लिक है, आपके विजडम से मुतल्लिक है, आपकी लव लाइफ से मुतल्लिक है, आपके बच्चों से मुतल्लिक है, आपकी एजुकेशन से मुतल्लिक है। इसके अलावा विजडम आपका ये बहुत ही अहम है, या इससे जो है वो ये मुतल्लिक है। अब हो ये रहा है कि मार्स जब भी किसी के फर्स्ट हाउस में आता है उसको बोल्ड करता है, ब्रेव करता है, लेकिन ये यहाँ पे डेबिलेटेड है, तो ये आपके लिए सिचुएशन कुछ जो है वो मिली जुली होगी। हम इसको दो पार्ट में देखते हैं। पहला पार्ट तो ये है कि आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है, आपको एनर्जी देगा, पावर देगा, लेकिन एनर्जी पावर उस वक्त है जब ये डेबिलेटेड ना हो। जब डेबिलेटेड, तो इसका मतलब है कि हबूत में, हबूत लफ्ज़ हब से, इसमें पावर्स नहीं है। तो अब आपको दो तीन जगह पे बहुत ही एहतियात करनी। पहली बात तो अग्रेशन में नहीं आना। दूसरी बात, कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनका मास जो है कैंसर में हो तो वो बजाय बहादुर होने के वो थोड़े से बुजदिल हो जाते हैं। और ऐसे वक्त में भी बंदा कई बार ऐसे काम कर जाता है कि जो कि आम हालात में नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पे आम हालात में एक बंदा अपने से एक बड़े आदमी को जो है उसके साथ झगड़ा नहीं करता, उसके साथ लड़ाई नहीं करता, लेकिन अगर ये डेबिलिटी हो तो उसको फियर होता है कि ये बंदा जो है वो मुझे नुकसान पहुंचा देगा, तो ऐसे वक्त वो अटैक कर देता है। मैंने ऐसे कई चार्ट्स देखे जिसमें कि दूसरा बंदा बड़ा मशहूर है जी, कि ये बहुत बड़ा फाइटर है, ये लड़ता है जी, और ये तो बड़ा, और जिसको कहते पंजाबी में हाथ छूट जी, तो ये दूसरे बंदे को बात करने पहले थप्पड़ मार देता है, उसको मारना शुरू कर देता है। एक्चुअली वो बहादुर नहीं है, बुजदिल है, उसका मरीज जो है वो डेबिलेटेड है, कमज़ोर है, तो आपने इस चीज़ से जो है वो बचना। दूसरा, ये आपके 10वें घर से रिलेटेड है, तो आपकी मदर इन लॉ के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब करेगा। आपकी मदर इन लॉ ऑलरेडी जायचे के 12वें घर से जो है इधर आ रहा है मरीज, तो ऑलरेडी कुछ प्रॉक्सीज में इन्वॉल्व रही, अब ये मामले को ख़राब जो है वो कर सकती हैं। खातून आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ खातून नहीं, आपको अपने वालिद से भी जो है वो इसी तरह की वाइब्स जो है वो मिल सकती हैं, कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो कि एक नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं, लेकिन कुछ जो है ना, मैं उसको एबनॉर्मली, मैं उसको सुपर लाइफ कहूँगा, कि वो भी होती है कि जिसमें कुछ लोग पढ़ते हैं, सदका देते हैं और रेगुलरली कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे वो प्लैनेट्स के नेगेटिव इम्पैक्ट से जो है वो बच जाते हैं। तो आपको चाहिए कि हर मंगल 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका दें। मदर लॉ के साथ एहतियात के साथ रहें। रोज़ाना 261 मरतबा या मालिक या कुद्दूस पढ़ें। अपने वालिद के साथ जो है मोहतात रवि से रहें और उनके उनसे आपको सपोर्ट भी मिलेगी। अच्छा, 10वें का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आता है तो वहाँ से सपोर्ट भी आती है। अब ये डिपेंड आप पे है कि आप परवरदिगार की मदद लेके इस मामले को अपने लिए कितना जो है वो बेहतर कर पाते हैं। कैरी रोजगार के हवाले से कहूँगा, नई जिम्मेदारी मिलेंगी और आपके लिए टफ टाइम जो है ये साबित हो सकता है। तो अपने सीनियर के साथ किसी भी किस्म के क्लैश से जो है वो आपने गुरेज करना है। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बड़ी मोहतात रविश जो है वो इख्तियार करनी होगी। नए एग्रीमेंट्स मिल सकते हैं आपको। कुछ लाशोरी तौर पे आप डिस्टर्ब रहे पिछले दिनों अपने कैरियर, अपने रोज़गार के मामलों को लेकर, लेकिन
ये वक्त किसी एक्साइटमेंट का जो है वो नहीं है, हरगिज नहीं है। अब जो पिछले आपके मामला चल रहे हैं ना, उन्हीं को लेके चलना आपके लिए बेहतर होगा। नई चीज़ें अगर आप करेंगे तो ये आपको थोड़ा सा अग्रेसिव भी करेंगी और आप इस टाइप का हो जाएगा कि आपने मेहनत भी की लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल पाया जो कि आप लेना चाहते हैं। ठीक इसी तरह आपकी लव लाइफ में भी कुछ नेगेटिविटीज़ जो है वो डेवलप होंगी। आपके लव वंस का आपके बारे में राय बहुत अच्छी नहीं होगी, कुछ ये चीज़ें अफशा भी हो रही हैं। और इसी तरह अगर आप ऑलरेडी एंगेज हैं तो आपके बारे में आपके फ्यूंसी जो है उनकी जो राय है वो बहुत ही चेंज होगी। तो अब आपको वहाँ से एग्रेसिव एटीट्यूड मिलेगा, आपको कुछ ब्लेम गेम का सामना भी जो है वो करना पड़ सकेगा। सो मोहतात रविश इख्तियार कीजिएगा और अपनी लव लाइफ को बचाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक इसी तरह आपके जो बड़े बच्चे हैं वो भी आपके अगेंस्ट होंगे और वहाँ से आपको सपोर्ट नहीं इस वक्त जो है वो मिल सकेगी। अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं स्केल 12 से 14 की तो यहाँ पे इर्तकाज की कमी का सामना होगा आपको, या आप कुछ बीमारी की वजह से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ से आपको मोहतात रहना है। इनामी स्कीम में पार्टिसिपेशन करना कतई तौर पे बेहतर नहीं होगा। एंगेजमेंट जैसे मामलात के लिए कतई तौर पे नवंबर स्टार्ट तक की जो डेट है 4 नवंबर है मेरे ख्याल में, यहाँ तक आपको मंगनी जैसी तकरीबात से कतई तौर पर जो है वो ग्रेस करना है। अगर कोई आप खातून हैं और प्रेगनेंसी के साथ हैं तो फिर अगला टाइम आपको अपनी हेल्थ का, अपने मामलात का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। मैंने बहुत कुछ बता दिया, मैंने मंथली में शायद इससे भी ज़्यादा इस बारे में बात की और पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको उसमें जो है गाइड करने की कोशिश की है। सदका मैंने आपको बताया, हर मंगल को 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका दे के इस मामले को अपने लिए बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसी ड्यूरेशन में 7 सितंबर को कमर दरकटब भी होगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है। आपको प्रॉब्लम हो सकती है वही जो मैंने कहा, आपकी लव लाइफ के हवाले से, आपके बच्चों के हवाले से, ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकती हैं। 2 किलो चावल आटा या दूध का सदका दीजिए। ये जो इवेंट है कमर दरकटब का, ये 7, 8, 9 तीन दिन का है। बुनियादी तौर पे ये 2.25 दिन का है। 9 तारीख को किसी भी वक्त जो है वो ये ख़त्म हो जाएगा। पूरी डिटेल के लिए आप हमें सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ये तमाम जगहों पे, और हमारे व्हाट्सअप स्टेटस भी लगते हैं। हम आपको जो है कमर दरकटब की पूरी डिटेल जो बताते हैं किस तारीख को कितने बजे शुरू हो रहा है, किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पे जो है ये ख़त्म हो जाएगा। सो आपके लिए वहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जो है मौजूद है। आपके लिए बेहतरीन सोन जो पर्ल है, इसके अलावा आप जो है वो रूबी पहन सकते हैं। मैं हर बार कहता हूँ कि रूबी पहनना आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। वैसे भी रूबी सन का स्टोन है और पर्ल यानी मोती जो है वो मून का से रिलेट करता है, और मून को जितनी पावर्स मिलती हैं वो तो मिलती हैं सन से। सो ये दोनों स्टोन आपके लिए बेहतरीन जो है वो साबित हो सकते हैं। आप अपनी स्पीच में, अपनी एफर्ट्स में बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। आपके पास नए आइडियाज़ हैं जिसकी वजह से आप अपनी फाइनेंशियल मामलों को बेहतर करेंगे। सोशल लाइफ को और बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप जो है मुझे पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होता मुझे नज़र आ रहा है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मरकरी ऑलरेडी तीसरे घर आ जाएगा तो मज़ीद इसमें जो है बेहतरी आ जाएगी। अब अगर मैं डेली मामलों की बात करूँ तो जो 1 सितंबर है ये आपके लाशऊर और आपकी नेचर के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल मामलात के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नई पॉलिसीज़ को आप लेके चल सकते हैं। पाकिस्तान के बाहर से कहीं से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट आपको जो है वो मिल सकती है। इसके अलावा आप अपने मामलात को जो है वो आगे बढ़ाने की जो है वो पूरी कोशिश करेंगे। करियर रोज़गार के हवाले से, मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से इसमें कुछ पेशरफ जो है मुझे नज़र आ रही है। 3 तारीख जो है ये आपके लिए कुछ मिलीजुली जो है वो साबित होगी। गुफ्तगू में एहतियात कीजिएगा। आपको कोशिशें जो अपनी किसी भी चीज़ की बिगिनिंग के लिए 3 तारीख किसी तौर भी जो है वो मुनासिब नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, आपको अपने शिके हाल, शिके कार, वरासती मामलात और अगर कोई आपने इंश्योरेंस करवाई हुई थी उससे मुतलका मामलात, अगर कोई लिटिगेशन के मामलात है, इसमें थोड़ा सा कभी का एहसास जो है वो आपके सामने आएगा। 4 तारीख को मैं आपसे कहूँगा कि बहुत ही आपने एहतियात करनी है, बहुत एहतियात करनी है। अग्रेशन से कतई तौर पे जो है वो आपने गुरेज करना है। अब आपके और आपके सीनियर के साथ या आपकी मदर इन लॉ के साथ कोई इख्तलाफ जो है वो आपके सामने आ सकता है, जिससे फैमिली का माहौल जो है ये भी डिस्टर्ब होगा। और इसमें कहीं ना कहीं आपके बच्चों की इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आती है। कहीं ना कहीं जो है आपके इख्तलाफात की नोयत आपकी लव लाइफ से रिलेट कर रही है, आपकी एजुकेशन से रिलेट कर रही है। यही वो शोभा है जहाँ से आपके लिए इस वक्त प्रॉब्लम जो है वो आपके सामने आ सकती है। 5 तारीख 6 तारीख ये दोनों दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपकी ख्वाहिशात की तकमील हो सकेगी। फैमिली मैटर्स जो है वो आप रिजॉल्व कर सकेंगे।
इसके अलावा घर का माहौल जो है वो अच्छा होगा, आपकी तवज्जो इस तरफ जो है वो बढ़ती मुझे नज़र आती है। उसके बाद आपकी जो बिरून मुल्क सफ़र से मुतल मामला है, जो सेहत या जॉब से मुतल मामला है, इसमें भी आपको इंशाल्लाह जो है 6 तारीख को अच्छी जो है वो बेटरमेंट मिलेगी। एक बार फिर आपकी सूझबूझ में जो इजाफा होगा और आप अपने फाइनेंशियल मामलात पे जो है फोकस्ड होंगे, फाइनेंस को बेहतर बनाने की आपकी भरपूर जो है यहाँ पे कोशिश होगी और आपको इसमें फैमिली सपोर्ट भी जो है वो मिलती मुझे नज़र आती है। सो मजमूई तौर पर एक बहुत अच्छा हफ्ता है, आप इसको मज़ीद बेहतर थोड़ी सी प्लान के साथ जो है वो बना सकते हैं। इस उम्मीद के साथ चाहूँगा कि हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, इससे मुस्तफ़ीद होगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल पर दोबारा आना चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा।